साइंस का एक क्वेश्चन है सर, मेरा जो कॉम्बिनेशन मैथ एंड फिजिकल साइंस है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैथ एंड साइंस। मैथ जो तो तुसी कर दे हो, 3 साल विच पढ़ लिया है, तुसी TGT ली, जिसनों मास्टर केडर कहने हैं, जिसनों 10वीं तक दे टीचर, 10वीं तक क्लास नू पढ़ाने वाले टीचर बनना है, उस लिए एलिजिबल हो गए हो। जे तुसी फिजिकल साइंस की है तो तुसी 10वीं नू पढ़ाने लिए एलिजिबल नहीं हो, TGT लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर तुसी PGT लिए एलिजिबल हो। PGT मीन 11वीं ते 12वीं क्लास नू पढ़ाने लिए एलिजिबल हो, पर इहदे लिए पक्का नहीं हो। जे तुसी टीचिंग ऑफ मैथ दे नाल साइंस लेंदे हो तां तुसी मैथ वांग ही TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, PGT ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ PGT ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ TGT ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਲਾਈਜ਼।